अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है और ये व्लॉग मैंने लास्ट वीक शूट किया था क्योंकि लास्ट वीक हस्बैंड की बर्थडे थी और ये तब की सारी सेलिब्रेशन है, तब मैंने ये सारा कुछ सेटअप अरेंज किया था। और सरप्राइज़ तो ये बेसिकली नहीं था, उन्हें आइडिया था कि मैं उनकी बर्थडे प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो सरप्राइज़ नहीं है ये, क्योंकि मैं कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी और उनको आइडिया हो गया था और एक पार्सल मेरा आया था जिससे उनको आइडिया हो गया था कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, ये जो पार्सल्स वगैरह आ रहे हैं, ये बेसिकली इसीलिए है, ये मेरी बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही है। आप सबको पता है ये बॉयज़ दे डोंट लाइक टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज, बट और लड़कियों को बहुत शौक होता है कि वो हर छोटे से छोटे इवेंट को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। बस मैंने भी इसलिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक सेटअप उनके लिए अरेंज किया। मैं इनका बहुत ज़्यादा ना सी, बस थोड़ा बहुत एक सिंपल सा सेटअप उनके लिए अरेंज करते हैं और केक कट कर लेंगे हम लोग। केक भी मैं घर पर खुद ही बेक करूँगी। सो मेरे आज के ब्लॉग से आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे, अगर आप घर पर सिंपल सा बर्थडे करना चाहते हैं तो इट्स वेरी ईजी। कल मैं मार्केट गई थी और मार्केट से मैं कुछ सामान ले आई और कुछ सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया, लाइक बलून्स और ये जो पम्प है ये मैं ऑनलाइन नहीं ले लिया, ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ और इस पंप ने मुझे इतना आसानी दी। अच्छा, मार्केट में ना इलेक्ट्रिक भी थे पड़े, लेकिन मुझे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ कर रही थी, मैंने सोचा कि पहले मैं यही यूज़ करके देखती हूँ, अगर तो ये यूज़फुल हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर मैं वो वाला परचेज़ करूँगी, लेकिन इसने मुझे बहुत हेल्प दी। ये देखिए कितना ईजी है, तो मेरी जो ये परचेज थी काफ़ी यूज़फुल रही। अच्छा, मैं टोटल 3 कलर्स के बलून्स के सेट लेके आई थी, गोल्डन, ब्लैक एंड वाइट। गोल्डन और ब्लैक ही बेसिकली ये थीम है, वाइट बलून के दरमियान में मैंने लगाए हैं ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे और बहुत अच्छा लग रहा था गोल्डन और ब्लैक के दरमियान में। इन बलून्स के साथ ही मैं सिल्क के रिबन्स भी ले आई थी और रिबन को भी बाद में फिर मैंने बलून्स के साथ अटैच कर दिया था। और रिबन्स अटैच करने के बाद जो फाइनल लुक थी ना, वो इतनी कोई प्यारी लग रही थी ना, बहुत अमेजिंग थी। अब मैं ये जो वॉल हैंगिंग्स हैं इनको उतार के यहाँ पे मैं बर्थडे बैनर्स को सेट कर दिया और जितने भी दूसरे बलून्स हैं ना दीवार के साथ, वो मैंने अटैच कर दिए हैं। मैंने डबल टेप बेसिकली अटैच की है इसके साथ और अब जितने भी जो गोल्डन, ब्लैक और वाइट बलून्स हैं इनको हम अटैच करेंगे सीलिंग वॉल के साथ। ये देखें, मैंने डबल टेप लगाई है इसको, आप बेशक डबल टेप लगा लें, बेशक आप सिंगल जो टेप होती है उसको ऐसे फोल्ड करके बलून्स के ऊपर लगा लें और देन हम इसको सभी बलून्स को सीलिंग के साथ अटैच कर देंगे। देखिए, ये सभी बलून्स मैंने ब्लैक, वाइट, गोल्डन मैंने सीलिंग के साथ, वॉल के साथ अटैच कर दिए हैं और ये है कुछ फाइनल लुक जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छा लगा। सिंपल सा है बट अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से किचन में आ गई क्योंकि अभी केक बेक करना बाकी था और मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बहुत सिंपल सी सारी डेकोरेशन थी बट इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग काम था। केक की रेसिपी मैं जल्दी से आपसे शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया है 1 कप बटर एंड 1 कप मैंने ली है पाउडर्ड शुगर और उसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब मैं 1 by 1 एग इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 एग ऐड करती हूँ, देन उसको बीट करती हूँ, फिर एग ऐड करती हूँ। इस तरह मैंने 3 अंडे इसमें ऐड किए हैं और अच्छा सेक मैंने बैटर ये रेडी कर लिया है। बैटर अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें 1 कप फ्लावर ऐड करेंगे एंड 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है। और यहाँ पे एक हो गया मेरे से ब्लेंडर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी और जल्दी में हमेशा काम गलत होते हैं। मैंने स्पैचुला से इसे मिक्स करने की बजाय मैंने ये इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया और सारा जो मैदा था वो मेरी चाय में भी गिरा और बहुत ज़्यादा मैसी हो गया सारा कुछ। और मैं चूंकि आदत से मजबूर हूँ क्लीनिंग में, बिल्कुल भी मैसी जगह पे काम नहीं कर सकती, सो पहले मैंने इसको क्लीन किया सारे मैस को और उसके बाद दोबारा फिर मैं केक की तरफ आई। सो आप भी इस गलती से बच सकते हैं, लाइक आपने जब मैदा ऐड करना है ना तो आपने स्पैचुला यूज़ करना है या ये हैंड विस्कर यूज़ करना है। अब मैंने इसमें 1 कप ऐड कर दिया है बटर मिल्क और बटर मिल्क भी मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया कि बटर मिल्क कैसे बनाते हैं। 1/2 कप मिल्क में मैंने 1 से 2 टेबल स्पून विनीगर ऐड किया और इसको इस तरह से हमारा बटर मिल्क बन जाता है।
अब इसमें मैंने ये चॉप्ड की हुए एलमंड्स शामिल किए हैं, मैं इसमें रेजन्स शामिल करूँगी, थोड़ी सी मेरे पास टूटी फ्रूटी पड़ी हुई थी मैंने इसमें वो भी ऐड की है, और अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। 30-40 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है। और यहाँ पे प्रॉपर मैं सारा सेटअप अरेंज कर चुकी थी, डाइनिंग टेबल की भी मैंने सेटिंग कर दी है, लाइक डाइनिंग टेबल को मैंने इस तरह से अटैच कर दिया है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मैंने उसके ऊपर रख दिए हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। यहाँ पे बस मैंने हर चीज़ डाइनिंग टेबल के ऊपर सेट कर दी है। केक अभी मैंने नहीं रखा क्योंकि हस्बैंड के आने में भी टाइम है, मेरे ख्याल है कि वो 5-10 मिनट में वो आ जाएंगे। और आज मैं हस्बैंड के साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ, लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है उनका। ये पकड़ना है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द केक। केक मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप लगाया है, चॉकलेट कुछ लगा दिए हैं, कुछ नट्स को मैंने अच्छे से चॉप करके इसके ऊपर ऐसे इसको डेकोर कर दिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे केक भी मैंने सेट करके रख दिया है, बर्थडे कैंडल्स भी लगा दी हैं, बाकी कैंडल्स भी मैंने ऑन कर दी हैं, और अब काटेंगे हम लोग केक। थैंक यू। तो बस जनाब ये थी हमारी एक छोटी सी सेलिब्रेशन, और यहाँ पे हम लोगों ने केक भी कट कर लिया है, और हस्बैंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि मैंने इतना सारा कुछ कैसे कर लिया। और ये जो मैं नेक्स्ट क्लिप आपको दिखाने लगी हूँ, ये इस बर्थडे से एक दिन पहले के हैं। यहाँ पे हस्बैंड का गिफ्ट आ चुका है, और बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरी ऑनलाइन शॉपिंग है ना, ये सही नहीं रही, क्योंकि ऑनलाइन मैंने उनके लिए ये एडिडास के शूज़ ऑर्डर किए, लेकिन जिसका जो साइज़ है वो साइज़ स्मॉल आ गया। साइज़ ठीक है? साइज़ आई थिंक साइज़ नीड्स टू बी सो अब साइज़ तो इनके पूरा नहीं है, अब मैं करूँगी इनको रिटर्न। और मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने ऑनलाइन इसका साइज़ जो हस्बैंड का साइज़ है वो इस कलर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनको ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैंने इसीलिए ब्लैक ऑर्डर किया था, लेकिन अब ब्लैक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। सो अब देखो कि मैं क्या करती हूँ, मैं रिटर्न करवाऊँगी रिफ़ंड, और कोई और शूज़ में ऑर्डर करूँगी, या इन्हीं में अगर मुझे कोई और कलर अच्छा लगा तो फिर मैं वो ऑर्डर करूँगी। तो गाइस ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये छोटा सा सेटअप, छोटी सी डेकोरेशन, सिंपल सी कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप मेरे नेक्स्ट आने वाले सभी व्लॉग्स देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।